नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दी जा रही नाली की खुदाई के दौरान जेसीबी से एक मस्जिद की दीवार ढह गई। दीवार गिरने से मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। पीलीभीत के बरखेड़ा कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नाला खुदाई के दौरान जेसीबी के ऑपरेटर की लापरवाही से एक मस्जिद की दीवार ढह गई। एक बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें, 4 माह पूर्व एनएचआई द्वारा नाला खुदाई कर दी गई थी और उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। लगभग 2.5 माह तक नाला ऐसे ही खुदा पड़ा रहा और उसमें बारिश का पानी और बाढ़ का पानी भर गया। इसके बाद गुरुवार को एनएचआई टीम के द्वारा नाले का पानी निकलवाकर नाली की खुदाई शुरू कर दी गई, जिस दौरान जेसीबी की लापरवाही द्वारा एक मस्जिद की दीवार ढह गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश देखने को मिला। वहीं इसकी सूचना बरखेड़ा पुलिस को मिली। इसके बाद बरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अकील अंसारी ने उप जिलाधिकारी बीसलपुर से फोन पर बात की और उन्हें घटना से अवगत कराया। उप जिलाधिकारी ने अपने हल्का लेखपाल को मौके पर भेज दिया और निरीक्षण किया। पुलिस और लेखपाल ने मिलकर एनएचआई की टीम को बुलाकर मस्जिद का निर्माण कार्य करने को कहा, तब जाकर लोग शांत हुए। पीलीभीत से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए ब्यूरो चीफ मोहम्मद जैनुल की रिपोर्ट। हुआ कि यहाँ कस्बा बरखेड़ा में कादरी मस्जिद के सामने लगभग तिराहे से लेके ये लगभग 400 मीटर का एरिया होगा आसपास, यहाँ पर 4 महीने पहले खुदाई हुई थी। जो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है, तो खुदाई होने के बाद इन लोगों ने जो है, जो भी ठेकेदार हैं या जो मैनेजर वगैरह हैं, उनके आदेश में खुदाई होने के बाद इसको मतलब इन लोगों ने नाला नहीं बनाया, जिस वजह से यहाँ पर काफी हादसे भी हो चुके, कई लोग मोटरसाइकिल से इस पर गिर भी चुके हैं। लेकिन अब 4 महीने से इसमें बारिश का भी पानी भरा रहा, सैलाब का भी पानी भरा रहा। आज क्या हुआ? आज कंडीशन ये हुई कि यहाँ पर पानी निकाल के इन लोगों ने जो जेसीबी चलाई है उससे पूरी मस्जिद जो है वो मतलब शहीद हो गई, डैमेज हो गई, और मतलब जो नमाजी लोग थे वो बच गए। मतलब जान का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मस्जिद का पूरा नुकसान हो गया, मस्जिद टूट गई है। इसमें किसकी लापरवाही? इसमें लापरवाही जो, या तो जो ठेकेदार हैं उनकी सीधी लापरवाही है इसमें। आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग वैसे तो फिलहाल हम मतलब शांतिपूर्वक जो है अपना कानूनी काम कर रहे हैं। मतलब हमें इस बात से मतलब है कि जो लापरवाही की वजह से जो नुकसान हुआ है मस्जिद का, उसका मतलब जो भरपाई करी जाए। कोई शिकायती पत्र दिया है आपने किसी को? शिकायती पत्र अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी ये मौके की तो बिल्कुल बात है, और मतलब अभी शिकायती पत्र सबसे पहले जो है थाना अध्यक्ष महोदय को दिया जाएगा, उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय बीसलपुर को दिया जाएगा।